में विशेष है। हमारे विभाग की स्थिति कुछ वैसे ही हो गई है जैसे बच्चे को दांत उठने के समय होता है। दांत उठने के समय दर्द होता है और दांत उठने का आनंद भी होता है। तो मेरे विभाग में एक तरफ अपने निवर्तमान विभागाध्यक्ष जिनके जाने से रिक्तता का अनुभव होने के कारण दर्द हो रहा है और आनंद इसलिए हो रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष हमें प्राप्त हो गए हैं। तो ऐसा कुछ मिला जुला आसपास इस अवसर पर मुझे अनुभव हो रहा है। और इस बेला में मैं चाहता हूं कि जो अपने पूर्व अध्यक्ष हैं उनके साथ हम लोगों ने एक लंबा समय बिताया है, बहुत सारे मधुर अनुभव जुड़े हुए हैं। हम यहाँ उपस्थित हम तो आरंभ करते हैं मनोज जी से, यहाँ विभागाध्यक्ष के द्वारा आरंभ किया है। श्रीमान रवि कुमार राय जी भौतिकी विभाग के अध्यक्ष है, इन्हीं से आरंभ किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कृपया अपने अनुभवों को साझा किया जाए। हाँ, और पूर्व में अभिनंदन करना चाहेंगे, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे संकाय अध्यक्ष महोदय कर रहे हैं। पांडे जी जो विज्ञान के छात्र से आपने मानविकी संकाय को शुरू कराया, अच्छा लगा और खुशी इस बात की है कि हमारे जो होने वाले हेड हैं सौभाग्य से एक ही दिन दस्तक करके हम लोगों ने ज्वाइन एक दिन के अंतर पर किया था और शुरुआत उनकी भी विज्ञान की है। बाद में कुछ कारणवश उन्होंने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, क्योंकि यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत लोग डायरेक्शन चेंज किए हैं। हमारे सर बैठे हुए हैं एग्रीकल्चर पढ़ते पढ़ते मैथिली में आ गए, इसलिए कहा गया है जो दुनिया में बढ़ने के लिए ये जरूरी है तो गाड़ी का चक्का चलते रहे, कुछ ना कुछ बदलाव की जिंदगी होती है। जहाँ तक जिस विभाग में हम लोग खड़े हैं संस्कृत विभाग और संस्कृत भाषा से ही हमको लगता है कि बहुत भाषाएं का उद्गम हुआ है। और ऐसे भी हम लोगों के में कहा जाता है कि संस्कृत जो है एक तरह से देव भाषा है। और अरबी, एक आदमी हमको बताए दो चार दिन पहले, अरबी भाषा भी जो है वो भी संस्कृत भाषा से है। तो खासकर हम लोग उस भाषा के विभाग में हम लोग बैठे हुए हैं जहाँ से बहुत सी धाराएँ फूटी है, चाहे वो विज्ञान हो, एग्रीकल्चर हो, आर्ट्स का कोई चीज़ हो, साइंस का कोई चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ हम पढ़ें, साइंस में पढ़ें, आर्ट्स में पढ़ें, कॉमर्स में पढ़ें, पढ़ाई का उद्देश्य मुझे जो लगता है वह यही होता है कि आपके सोचने की शक्ति को ग्रेजुअली बढ़ाया जाए। ए बी सी डी सिखाया जाता है, ओ आर सिखाया जाता है, जो बटाव सिखाया जाता है, हार्डर कॉमन फैक्टर पढ़ाया जाता है, लेवल पर ला दिया जाए तो हमको लगता है जो वो आदमी किसी भी क्षेत्र में चाहे वो उसकी कोई भी जिम्मेदारी दी जाएगी हमको लगता है वो बखूबी निभाएगा। आज ठीक है ये जो दिया है पढ़ाई का मतलब हम नौकरी ही लें, मगर हमको लगता है जिसमें पढ़ाई शुरू हुई होगी या इस तरह का संकल्पना हुई होगी उसमें दो तीन तरह के आदमी होंगे। एक आदमी होंगे भ्रष्टाचार जीनियस, बहुत तेज होगा, जो कुछ भी कर सकता है अपना मन से। आज भी है कुछ सुनते हैं 12 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा पूरा अश्लोक गीता याद हो जाता है, मगर सब उस तरह के नहीं होते हैं, बीच बीच के भी होते हैं। तो बीच बीच के जो हम लोग हैं वह उनका डायरेक्शन बदल ना जाए, वह कहीं अपने लीक से भटक ना जाए, उनके लिए
एक रास्ता बनाया गया जो कि हम लोग यूजी से पीजी तक जाते हैं, एक पाइप दिया गया जिसमें बिना लीकेज का उसको उस नहीं संभालने वाले जो जनरेशन है उसको किसी तरह हम ढंग से निकाल दें। विभाग के ही प्रोफेसर है और एमटीएस साइंस कॉलेज के प्राचार्य के दायित्व पर निर्भर कर चुके अपने प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी से अनुरोध है इस अवसर पर अपने अभिव्यक्ति प्रदान करें। इसे समझा में उपस्थित विद्वत्जन आज वास्तव में केवल स्थान का जो है सो आना और जाना यह है, दोनों एक ही संस्कृत विभाग के रहे हैं और हमेशा विद्यार्थी बन करके विद्या से जुड़े रहे और हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहे। हमारे अनिल बाबू जो अभी भी हमेशा विद्यार्थी के धर्म में ही रहते हैं और लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय में हमेशा विद्या घुमा फिरा करके विद्या जो है सो उसमें रहता है, विश्वविद्यालय विद्यार्थी के बीच के करी हम लोग हैं। और विद्या का है पहले जो विद्या जो के बाद ही है जो आचार्य होते हैं, तो विद्या कहा कि भाई विद्या क्या है और विद्या क्या है, आचार्य क्या होते हैं, जैसे क्यों आचार्य नाम पड़ा, जब प्रोफेसर होते हैं उनका आचार्य जो होता है प्राचार्य होता है प्रतिष्ठा आचार्य, तो क्या आचिनोति अधीते वाच शास्त्राणि स्वयं आचरति च, जो शास्त्रों का अध्ययन तो करते हैं लेकिन पहले स्वयं उस पर चले, उसका प्रभाव विद्यार्थी पड़ेगा ही। उपनिषद कहता है अनात्मनाम देहादिनाम आत्मत्वेन अभिमन्यते स्वाभिमानः या तद अभिमानम कार्यति सा अविद्या, सो अभिमान जया निवर्तति सा विद्या, विद्या तो वो है जिसे अभिमान समाप्त है। हमने सब लोग गुरु हैं, यहाँ पर गुरु मूर्ति में दिया है चित्रम वर्तोर मूले वृथम शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यस्तु छिन्न संशया, कि गुरु अगर चरित्र से संपन्न हैं तो कुछ फिर वचन से देने की तो फिर आवश्यकता नहीं होती है, तो आचरण से ही सब प्राप्त हो जाता है, प्रवचन तो आचरण का पड़ता है, तो हम तो आशीर्वाद देंगे, दोनों हमसे छोटे हैं, उन्होंने अपना धर्म निर्वाह किया अभी धर्म आहूढ़ हुए हैं, अब दोनों के मंगल कामना करते हैं कि संस्कृत विभाग को समुन्नत करें और अपने धर्म में जो है स्वधर्म में जिन्हें श्रेय जो कहा गया है अपने धर्म में रह करके संस्कृत की सेवा करें, विभाग की सेवा करें दोनों आदमी, और मेरा आशीर्वाद दोनों आदमी को है। अपने बीच विश्वविद्यालय के अधिकारी भी विद्यमान है, तो यहाँ उपस्थित मित्र प्रोफेसर पंकज जी से मैं सादर अनुरोध करता हूँ कि अपने हृदय कुमार व्यक्त करने की कृपा करें। सभागार में उपस्थित आदमी काफी हम लोगों के प्रिय हैं और एक तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, आत्मा सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, संस्कृत संस्कृत सभी की आत्मा है, वो यहाँ से वहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया, सिस्टम वही है, युवा है, नया जोश है और मनोज जी अपना हर जगह अपनी विद्वता को अपनी कार्यशैली के माध्यम से प्रदर्शित किया है
और जताया है कि कार्य कैसे वैज्ञानिक रूप में कैसे आगे इसको बढ़ाया जाए। पांडे जी का स्नेह रहेगा, सब सुहावता, और आशा है कि मनोज जी काफी अच्छे ढंग से इस विभाग को आगे ले चलेंगे, ऐसी शुभकामना है। धन्यवाद। संस्कृत विभाग अध्यक्ष के पदभार ग्रहण इस सीमित कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रद्धे संकाय अध्यक्ष एस के पॉल साहब और सभी सम्मानित मान्यवर, हमारे संबद्ध महाविद्यालय के बहुत सारे छात्र छात्र एवं छात्राएं, मनोज बाबू का जो अल्प काल में हमने जो अनुभव किया है, इनकी कार्यशैली कार्य पद्धति निश्चित रूप से वह सराहनीय है, और उम्मीद करते हैं कि जिस पद को ये ग्रहण करने जा रहे हैं उसमें चार चांद लगाने का काम करेंगे। जहां तक संस्कृत का सवाल है, हमारा तो भाषा से बहुत उतना लगाव नहीं रहा है, बहुत कुछ जानते नहीं है, लेकिन चलते फिरते संस्कृत के बारे में जो सुनते हैं आप लोगों के द्वारा कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है, तो निश्चित रूप से संस्कृत का दायित्व ही बहुत बड़ा है, और इसको व्यापक क्षितिज पर लाना यह संस्कृत के लोगों की बहुत भारी जवाबदेही भी है। आइए सर, एक कार्यक्रम सुषमा स्वराज का एक कार्यक्रम साउथ है, कोई हमको पूरा याद नहीं है, संदर्भ थोड़ा सा हम जरूर रखना चाहेंगे। एक कार्यक्रम में संस्कृत से ही जुड़ा कोई कार्यक्रम था, सोसाइटी संस्कृत से जुड़ा सोसाइटी, तो सुषमा स्वराज जी की कुछ वाणी हमको ध्यान में है कि संस्कृत भाषा के मामले में कितना सशक्त है, कितना समुन्नत है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि राम रावण युद्ध के समय राम ने भी शंकर का पूजा किया था, और राम ने भी शंकर का पूजा किया था, रावण राम और रावण दोनों शंकर का पूजा किए थे। तो राम जो पूजा किए थे तो उसमें जो मंत्रोच्चारण था, नमामि सर्वेषां, पूरा हमको याद नहीं है, और रावण ने तो किया था द्रम द्रिम द्रम द्रम, जो भाषा कहने का तात्पर्य यह था कि संस्कृत भाषा इतनी समुन्नत है कि व्यक्ति का आचरण भी उससे परिलक्षित होता है, कि यह मंत्र पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इस आदमी का यह मंत्र रहा होगा, और यह पढ़िएगा तो इस आदमी का रहा होगा। दूसरी चीज, आज कंप्यूटर की बात हमारे ललन भाई बोल रहे थे कि हम विज्ञान के हैं, संस्कृत मैंने भाषा के इस कार्यक्रम में विज्ञान के लोगों को आप बोलने के लिए कहें। कंप्यूटर का जब निर्माण हुआ तो कंप्यूटर में एप्रोप्रिएट भाषा कैसे उसमें मेमोरी में उसको दिया जाए, उस तरह का बनाया जाए, तो सबसे सभी भाषा का अध्ययन किया गया, और अंत में संस्कृत पर ही आके टीका कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें अगर जैसे अंग्रेजी में है कहीं एच साइलेंट है, कहीं के साइलेंट है, कहीं पी साइलेंट है, लेकिन संस्कृत में हलंत तक है। तो निश्चित रूप से इसकी महत्ता
समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में और विश्व निर्माण में। और हम प्राथमिकता और इसकी अहमियत है, हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से मनोज बाबू का जो कार्य शैली है, काम करने का जो तौर तरीका है, इस विभाग को तो बहुत आगे लेके जाएंगे ही, और इसका लाभ इस विश्वविद्यालय के अन्य महाविद्यालय, अन्य छात्र छात्राओं और हम जैसे भी लोगों को प्राप्त हो। इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। और मुझे यह बात मन में बहुत देर से आ रही है कि अध्यक्ष का आसन ऐसे ही रिक्त पड़ा है। जी, तो मुझे लगता है कि जो अपने निवर्तमान अध्यक्ष हैं मेरा उनसे सादर अनुरोध है कि वर्तमान अध्यक्ष को आसीन कराने की कृपा की जाए। इन्होंने हम पर बहुत विश्वास जताया जब ये जॉनसन कंट्रोल बने और इवैल्यूएशन सेंटर साइंस का इन्होंने महाविद्यालय को दिया,
और सेकेंड इवेल्यूएशन सेंटर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। राजनीति अलग चीज़ है। तो मैंने उनसे कहा कि सर तो आप साइंस का बीए हैं और मूल्यांकन, तो मुझे पूर्ण विश्वास है, हम बहुत पदाधिकारी बैठे हुए थे, कि आप हमें 11 दिन में काम कर कर दे देंगे। नवरात्रा चल रहा था और बैठे हुए हैं, ये होम चल रहा था, मैंने इनको 11 दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री टैक्स ऑनर्स का मैंने इनको जमा कर दिया। ये काम लेना और काम करने की कला का नाम ही है मनोरंजन। निश्चित तौर पर हम भागशाली हैं कि डॉक्टर ललन खादर से फिजिक्स के हेड बने, डॉक्टर पाल जी इंग्लिश के हेड बने, आलिम मुस्तफा जी बने। लगता है कि हेड कहीं ना कहीं अब उस ऊंचाई को छूने वाला है। जिस समय जब हम थे तो डॉक्टर रामविनेश सिंह मैथमेटिक्स के हेड थे, डॉक्टर तारेश्वर शर्मा थे केमिस्ट्री का, नई हिम्मत थी कि विभाग में जाए, क्या बात करना है पहले से बात तय करके जाते थे। अब तो स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, वो गिरावट हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है सर कि आप जब इस हेडशिप को लिए हैं, हेडशिप का मतलब ही है आप एक कमिश्नर रैंक का पौधा लेते हैं। आपके अंडर में हाजीपुर का है, समझ सीतामढ़ी है, जितने भी डिग्री कॉलेज, न कि सिर्फ आप पीजी के हेड में सर, आपको एक जिम्मेदारी बढ़ी है, एक नेटवर्किंग की तरह लर्निंग की तरह संस्कृत की ऊंची ऊंचाई पर जाइए। क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, हमारा सबसे महानतम कोई अगर इकोनॉमिस्ट हुआ है वो कौटिल्य हुआ है, और वो संस्कृत में ही लिखा हुआ है वो अर्थशास्त्र, इससे बड़ा हमारा एग्जाम्पल नहीं है। आपसे हमें रूबरू हुई थी होटल पार्क में, पहली बार मैंने आपको देखा था, आपको इन्विटेशन ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि एक हैं डॉक्टर मनोज कुमार पहुंचाएगा, मैंने मालूम नहीं था कि आप संस्कृत के टीचर हैं। जब आप बोलना शुरू किए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, वीमेंस एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमको जहर में लगा कि आइदर ये है ही इकोनॉमिक्स के टीचर। जब ऑर्गेनाइजर से पूछा गया क्या कि नहीं नहीं ये संस्कृत के टीचर हैं, तो आए दिन हमारा इकोनॉमिक फोरम हुआ करता था हमेशा हर साल से डिस्कशन में बजट उसी इसी में आते थे। इसे सर ढेर सारी शुभकामना, आपको स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आने वाले से शुभकामना। अभी सर हमारे दल थे बहुत खराब लगा, हम छोटे हैं कॉलेज के हैं और आप लोगों के सबके बीच में बड़ी खुली मन से, आज मैं भी खुली मन से आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ कि इतना आदमी अगर सबसे किसी से हमको डर लगता है देख के सब चले को और कारण ये है कि जब मैं एमएससी का परीक्षा दे रहा था सर हमारा गाइडिंग कर रहे थे, पहला आदमी हमारे लाइफ में जो मेरा परीक्षा खत्म नहीं हुआ था कि हमसे परिचय किए और कहे कि बहुआ तू जते लिख रहा है अगर ठीक से अगर मार्किंग होते तो टॉप तो ही करो, जो कि बाद में सही हुआ। इसलिए अभी भी सर को हम देखते हैं हमको अपना हेडशिप याद नहीं रहता है, हमको वो दिन याद आता है के साथ आशीर्वाद हमको सर। ये कोई नियम सुनिए, कल हुआ कि डॉक्टर आरती श्रीवास्तव ने हमें समय दे दिया 11 बजे कुछ काम से, आपका व्हाट्सएप देखे 11 बजे हम गए, बड़ा दावे के साथ सुना हुआ बोले सर 15-20 मिनट समय कुछ काम था, क्या बात है तो सर यूनिवर्सिटी का आपके बारे में तो जाओ जाओ, इसलिए सर क्रैंक क्रैंक में बीता। प्रोफेसर आनंद जी ने बोध जी के बारे में जो कहा यह बात कहने की मेरे मन में इच्छा थी, लेकिन आनंद जी ने उनकी बात सुन ली, यहाँ बैठे सभी की आत्मा एक ही है, दोनों आदमी का विशेष है। अब अपने भी अशरफ इमाम जी उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है। संस्कृत विभाग ने आयोजित है सम्मान समारोह के अध्यक्ष महोदय और इस समारोह में उपस्थित हमारे गणमान्य प्राध्यापक प्राचार्य आचार्य और इस विश्वविद्यालय के हमारे परिवार के सदस्यगण चतुर्वर्गीय तृतीय वर्गीय साथ साथ हमारे छात्र छात्राएं, बहुत ही आज खुशी का दिन है और समय का भी मैं पाबंद रहा हूँ, चूँकि जो भी उद्घोषक होते हैं उनके समय की पाबंदी अपनानी पड़ती है, मैं भी कभी कभी स्टेज पढ़ता हूँ तो समय देखता हूँ, लेकिन जो मैं इस कम समय में अनिवार्य का जो परिचय मुझे मिला अनुभव मिला एक काफ़ी करवट और बहुत ही सज्जनता से हम लोगों का इनका की मुलाकात हुई मात्र 6 महीना पहले में, मुझे मालूम हुआ इनकी शालीनता और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। मैं अपनी ओर से आपको बधाई देता हूँ
कि आप दीर्घायु रहे और जिस दुनिया में आप सफर कर रहे हैं संस्कृत चूंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक शेर आपके माध्यम से तमाम लोगों को मैं देना चाहता हूँ कि तुम ही से आने वाले दौर की किस्मत का वाबस्ता, तुम ही से आने वाले दौर की किस्मत का वाबस्ता, कभी जो खत्म हो सकती नहीं वो दास्ता तुम हो। लालो गुल को मताए रंग बुद्धि है, तुम ही ने लालो गुल को मताए रंग बुद्धि है, चमन की जान को रूहे बहारे गुलस्ता तुमको। और मैं मनोज बाबू तो हम खुद कंट्रोलर हैं अपने लगभग 20-22 वर्षों तक के अपने संता महाविद्यालय में, तो जो सर का परिचय मेरे माध्यम से हुआ और डायरेक्ट हम लोग एक दूसरे से शेयर किया हर मामलों में, तो मैं इनको क्या बधाई दूँ, आज तो सिंहासन पर है लेकिन इन्होंने विश्वविद्यालय को चलाया। आज एक विषय संस्कृत विषय कि आप निश्चित रूप से दायित्व का अच्छे निर्वाह करेंगे। मैं सर इस कम समय में एक शेर आपके नाम में दे रहा हूँ, रख डालो जहाँ चाहो गुलजार बना देंगे, बस दो शेर आपके लिए शेर कि रख डालो जहाँ चाहो गुलजार बना देंगे, रख डालो जहाँ चाहो गुलजार बना देंगे, दमरों में संवरने की कुदरत न जाती। मेरे मन में भी कुछ विषय उमड़ घुमड़ रहे तो मनोज जी के साथ तो वर्षों से सानी दे रहा है और प्राय हम लोग साथ ही रहे, और अनिल बाबू यहाँ 3 साल तक विभाग अध्यक्ष रहे, लेकिन परिचय बहुत पूर्व से स्नेह मिलता रहा है, लेकिन निकट से जानने का अवसर विभाग में आने के बाद आरंभ हुआ। एक पक्ष हमने देखा है कि सर में असीम धैर्य, किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं होती, सहजपूर्ण नहीं है, मुझे लगा ऐसा क्यों है, स्नेह लेते हैं कोई, कभी क्रोध नहीं कभी प्रतिक्रिया नहीं, क्यों ऐसा मानव स्वभाव है, किसी में अगर क्रोध इत्यादि विकार नहीं है तो आश्चर्य है तो आश्चर्य नहीं है क्योंकि मानव स्वभाव है, तो मुझे लगा कि धार्मिक क्षेत्र में इनकी अधिक अभिरुचि है और उसी अभिरुचि के कारण अपनी गुरु परंपरा से इन्होंने धर्मदंड प्राप्त किया और उसकी हमेशा उस धर्मदंड की रक्षा करते हैं, ये तो दीक्षा देते हैं, तो ये स्वभाव इनके मन में है, वो मंत्रवृत्ति में है जो धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं, धृति क्षमा धमो तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, अनेक लक्षण इनमें प्राप्त होते हैं। हमको तो लगता है कि सर वीर रागी है, कहने के लिए संसार में भी है कहने के लिए संसार में नहीं भी है, जैसे कमल का फूल वो जल में रहता है लेकिन जल उस पर टिकता नहीं है, कुछ ऐसा ही स्वभाव हमने 3 साल में सर के साथ अनुभव किया है, असीम स्नेह पाया है और ये अध्यात्म के क्षेत्र में जो इन्होंने अभ्युदय प्राप्त किया है और उत्कर्ष को प्राप्त हो, और मुझे लगता है कि जैसे ज्वाइनिंग महोत्सव है वैसे सेवानिवृत्ति ही एक महोत्सव है, और हमारे आदरणीय अनिल बाबू भी इसे महोत्सव के रूप में ही लेते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, और इस रूप में जो आनंदमय उनको देखते हैं लगता है कि आनंद मूर्ति है, तो सरकार इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और अग्रिम यशस्वी जीवन की, और हम तो मानते हैं ना जीवे में स्वतः सतम, उस पंक्ति का अनुपालन सर जी, उस पंक्ति का संपूर्ण पक्ष सर के जीवन में चरितार्थ हो इसकी भगवान से कामना करता है। और मनोज जी के बारे में आप लोग सब लोगों ने कह ही दिया है तो और अधिक कहना
पंचायत उदाहरण भी होगी। अध्यक्ष के रूप में मैं इनका सहर्ष स्वागत करता हूँ। अब मनोज जी से ही निवेदन है कि वे इस अवसर पर अपने हृदय की बात रखें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। इस सभागार में अत्यंत कृपा पूर्वक पधारे हुए मानव की संकाय के अधिष्ठाता आदरणीय प्रोफेसर एस के पॉल साहब, हमारे निवर्तमान कहना उचित नहीं होगा, हम अपने अध्यक्ष के रूप में ही आदरणीय प्रोफेसर अनिल बाबू को यहाँ पर पाकर के आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं। अत्यंत कृपा पूर्वक ये अपने गांव में थे और जब मैंने निवेदन किया इन्होंने कहा कि मैं कहीं भी हूँ मैं उपस्थित रहूँगा। यहाँ उर्दू विभाग के सम्मानित अध्यक्ष, भौतिकी विज्ञान विभाग के सम्मानित अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग से अध्यक्ष आई हुई हैं और हमारी अत्यंत प्रिय दीदी जिनको हम कहते हैं रेणु दीदी गृह विज्ञान विभाग से यहाँ पर उपस्थित मैथिली के पूर्व अध्यक्ष राजन जी, हमारे अभिभावक तुल्य प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष उर्दू विभाग हमारे बड़े भाई, कॉमर्स के हमारे ही साथ जैसे ललन भैया ने कहा कि हम लोग साथी हुए तो ये महत् सहयोग है कि बड़े भाइयों ने छोटे भाई को भी खींच लिया अपने साथ। तो डॉक्टर आलय मुस्तफा जी, अत्यंत हर्ष का विषय है हमारे डीन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट अभी अभी उपस्थित हुए, हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ यहाँ हमारे परम स्नेही मित्र बंधु मधुर जी, उर्दू विभाग के शिक्षक, प्रिंसिपल एसएनएस कॉलेज, प्रिंसिपल बीबीएन कॉलेज बगहा, हमारे क्रांतिकारी साथी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी जी एनएन सिंघाड़ा से, और धनवंतरी मैं इनको कहता हूँ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी जिनकी चिकित्सीय सेवा से ये क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण राज्य जो है आज इनकी चिकित्सीय सेवा का लाभ प्राप्त कर रहा है, यश की प्राप्ति इनको है। आप सभी मित्र बंधुओं, शिक्षक बंधुओं और अपने अत्यंत प्रिय छात्र छात्राओं का आज के इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभासदों, ये मुख्य रूप से समारोह आयोजित हुआ है हमारे पूर्व संकायाध्यक्ष, कार्यालय भाषा में संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी के विदाई समारोह में के उपलक्ष्य में ये समारोह आयोजित है। अध्यक्ष का स्वागत तो नहीं, उसके दायित्व का बोध कराने के लिए ये सभा आयोजित है, ऐसा मैं ये मानता हूँ कि अध्यक्ष के क्या क्या दायित्व हैं। अब इतने लोगों के समक्ष अपने दायित्व को वहन करने में मुझे लग रहा है कि इतने लोगों के आशीर्वाद से संभवतः इस दायित्व का भी निर्वहन मैं कर पाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि आपका स्नेह मिलता रहा है, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है और अपेक्षाएं जो हैं निश्चित रूप से होती हैं। ये मैं सभा को सूचित करूं कि संस्कृत विभाग की बड़ी सुदीर्घ परंपरा रही है। आज इस एक मित्र ने ठीक ही कहा कि जब मैं प्रवेश किया तो मनोज जी के चेहरे पर दीप्ति थी, कुर्सी पर बैठे तो लगा कि कुछ भार से ये हो गए। ये भार कार्य का नहीं है, ये भार अपने विभाग की संस्कृति को वहन करने का है। यहाँ पंडित राम नारायण शर्मा से लेकर पंडित जयमंत मिश्र जी, ओम प्रकाश ब्रह्मचारी जी, शिवशंकर उपाध्याय जी, वैद्यनाथ मिश्र जी, आदरणीय प्रोफेसर महावीर पाठक जी,
कितने सारे डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी ऐसे स्वनाम धन्य संस्कृत के विद्वानों के द्वारा ये कुर्सी सुशोभित हुई है और उस पर एक अपना सा मनोज आज ठीक है सरकारी प्रक्रिया में आज यहाँ पर उपस्थित है तो निश्चित रूप से दायित्व का तो बोध हो ही रहा है और अपनी उस परंपरा का स्मरण हो रहा है कि यह यही विभाग है जहाँ से इस राष्ट्र को 5 राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त प्रोफेसर मिले हैं, विश्व स्तर पर सेमिनार संगोष्ठी के अध्यक्ष के रूप में चेयरमैन के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र झा जी ने अपनी सेवा दी है, जिन्होंने अपनी विद्वता का लोहा जो है पूरे विश्व में स्थापित किया हुआ है। ऐसी परंपराओं के ग्रहण में थोड़ा सा मन बोझिल तो होता है और सशंका भी होती है कि क्या मैं अपने उन पूर्वजों के पूर्व के जो हमारे ऋषि तुल्य जो यहाँ अध्यापक रहे हैं उनकी परंपराओं का निर्वाह मैं कहाँ तक कर पाऊँगा। और थोड़ी उम्मीद जगती है आपकी उपस्थिति से कि आपकी उपस्थिति है, आपका स्नेह है, आपका आशीर्वाद है तो निश्चित रूप से ये दायित्व भी ईश्वर पार लगाएगा। इस कामना के साथ आज अध्यक्ष के रूप में नियमता 4 तारीख को ही मैंने अपनी ज्वाइनिंग दे दी थी, चिट्ठी मिली थी, किंतु मेरा एक संकल्प था कि बिना अपने अभिभावकों को कोई दायित्व ग्रहण नहीं करना चाहिए। बीच में कोरोना काल आया, स्वयं भी अस्वस्थ रहा और मैंने चर्चा की अपने अग्रज तुल्य बड़े भाई डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जी से कि यदि दायित्व देना है तो बड़ों से दिवाया जाए। आज संयोग है कि वर्तमान अधिष्ठाता और पूर्व अधिष्ठाता दोनों की उपस्थिति में इस दायित्व का ग्रहण मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह मेरे सौभाग्य का विषय है, मेरे लिए हर्ष का विषय है। बिल्कुल एक व्हाट्सएप के मैसेज मात्र से आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, यह भी मुझे ये आश्वस्त करता है कि भविष्य में संस्कृत विभाग के उत्तरोत्तर विकास में ऐसे ही आपकी अल्पकालीन सूचना पर उपस्थिति होती रहेगी। निश्चित रूप से संस्कृत विभाग आगे बढ़ेगा। पूर्व में भी अपने मन में एक धारणा रहती है, सबने अपने व्याख्यान में कहा विश्वविद्यालय है वहाँ भी विद्या है, महाविद्यालय है वहाँ भी विद्या है और विद्यार्थी है उसमें भी विद्या है, तो हम तो बीच में योजक हैं, हम योजना करते हैं विश्वविद्यालय से विद्यार्थियों की, महाविद्यालय से विद्यार्थियों की, और एक मन में लालसा रहती है कि सरकार हम पर इतना व्यय कर रही है तो हम सरकार किस उद्देश्य से कर रही है, समाज को कुछ दिशा देने के उद्देश्य से संभवतः इतनी सुविधाएं हमें दी जाती है, तो आरंभ से ही अपना ध्येय रहा कि कैंपस को कम नहीं की, अपनी विद्या को इस कैंपस से बाहर निकालें। पूर्व में भी हमने योजना बनाई और मुझे आज ये बताते हुए आपको हर्ष का अनुभव हो रहा है, सर बैठे हैं प्रोफेसर अमरेंद्र ठाकुर जी, हम लोगों ने एक नीति का क्लास जो है इस शहर के विभिन्न प्लस टू और प्राइमरी माध्यमिक विद्यालयों में चलाया था, हम फॉर द होमलेस में, मुखर्जी सेमिनरी में, कई प्रिंसिपल से समायोजन किया कि ठीक है आप अपना लीजर पीरियड जो हो आपके स्कूल का हमें दें, हमारे विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक आकर करके बच्चों को कुछ नैतिक बोध कराएंगे, और हम लोगों ने कुछ संचयन किया हुआ था कि इस समाज को दिशा ये नौनिहाल ही दे सकते हैं, तो इनकी भूमिका में हम प्रारंभ से ही इनको तैयार करें और उसमें काफ़ी सफलता मिली और विभाग को काफ़ी यश मिला। नैक के ग्रेडिंग में भी उसने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि एक विभाग ऐसा है जो अपने यहाँ तो शिक्षा की व्यवस्था करता ही है, अपने कैंपस से बाहर जाकर करके इस विद्या को और इस विद्या के नवनीत को, अमृत को वितरित कर रहा है। तो आज पुनः इस अवसर पर मैं अपने उस पूर्व की योजना को आगे क्रियान्वित करने के लिए आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि इस पूरे शहर में ही नहीं, पूरे जैसे आपने कहा कि कमिश्नरी पूरा आपके पास है और सचमुच विश्वविद्यालय विभाग का अध्यक्ष सिर्फ पीजी पढ़ाने के लिए नहीं होता, उसका दायित्व यूजी से लेकर करके ऊपर तक का होता है, तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से आपकी सहायता से हम उस महाविद्यालय की भी समस्या का अध्ययन करेंगे और उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अपने पूर्व के जो हमारे ऋषि तुल्य यहाँ शिक्षक रहे, अध्यक्ष रहे, विभिन्न भूमिकाओं में जिन्होंने संस्कृत विभाग को
इस राष्ट्र के स्तर पर, बल्कि मैं कहूँ कुछ मामले में विश्व के स्तर पर आदरणीय प्रोफेसर रामकरण शर्मा जी का नाम इस समय स्मरण में करना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल भारत देश में अपितु विश्व में संस्कृत का परचम लहराया और विश्वविश्रुत विद्वान हुए। दुर्भाग्य से एक साल दो साल पहले हम लोगों ने उनको खोया है, लेकिन उनका स्नेह देखिए, उन्होंने अपनी तमाम जो पुस्तक की बहुत सारी पुस्तकें थी, दुर्लभ पुस्तकें, वो सारी पुस्तकें हमारे पूर्वाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर अनिल बाबू के माध्यम से इस विभाग को समर्पित किया। तो मैं आज इस अवसर पर उनके प्रति भी अपना विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनकी ख्याति को, उनके विश्वास को यह विभाग आगे बढ़ाने में काम आएगा और तत्पर रहेगा, ऐसा मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूँ। अंत में आज इस विदाई समारोह में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत अत्यल्प संसाधनों में इस विभाग को बड़ा सुनियोजित ढंग से और सुगमतापूर्वक इस विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया। सेवानिवृत्त आप नवंबर में हुए हैं और हमने कहा कि अपनी ऋषि परंपरा है कि जीवे मां शारदा सपन की हमने कामना करते हैं, लेकिन वहाँ भी मैं लोगों को बताता हूँ कि ऋषि जब जीवे मां शारदा सपन की बात करता है तो सीधे जीने जैसे तैसे जीने की कल्पना नहीं करता, वो आगे कहता है पसीने मां शारदा सपन, मतलब समस्त इंद्रियों के साथ समर्थ होकर करके अपनी पूरी क्षमता के साथ 100 वर्ष की आयु जीने की कामना हमारे ऋषियों ने की है। आज उन्हीं ऋषियों की वाणी हमारे अनिल बाबू पर फलीभूत हो, ये 100 वर्ष तक पूरे सामर्थ्यवान होकर अपने इंद्रियों से, मन से, अपनी क्रियाओं से ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और इस विभाग को पूर्व की भांति आगे भी आशीर्वाद प्रदान करते रहें। हम इनके उज्ज्वल और मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम। एक ऋत्विक के रूप में जो धारण करते हैं विदाई में भी वही चीजें प्रस्तुत की है, ऐसी विभाग की स्थापना रही है। मानवीय संकाय के अध्यक्ष एस के पौल साहब और हमारे कॉमर्स के डीन संकाय अध्यक्ष रवि जी, संस्कृत के गतिशील अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार जी, फिस के विशिष्ट विद्वान अध्यक्ष ललन जी, कॉमर्स के अध्यक्ष काले साहब, उर्दू के पूर्व अध्यक्ष मैथिली के पूर्व अध्यक्ष राजन जी, अंग्रेजी के अध्यक्ष, इस सभा में बैठे हुए विद्वान शिक्षकगण, छात्रगण, अन्य विश्वविद्यालय सदस्यगण, आज जो इस
अवस्था में हम लोग आए, इस परिस्थिति में आना पड़ा है। ये सबके जीवन में लगा रहता है और जीवन निरंतर चलता रहता है, जैसे चल रहा है वैसे आगे चलते रहना है। तो परम पिता को लेकर के चूंकि हम सब लोग बचना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जीवन का उद्देश्य वही है। ललन जी कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, जितनी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, जिस किसी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, सबका उद्देश्य जीवन है। और जो भी विषय में जाइए तो सबके भीतर जीवन है कि कैसे जीवन सुंदर हो, कैसे हम सुंदर बन सके, जितना बेहतर हम हैं उससे बेहतर कैसे बन सके। इसीलिए हम सब अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं। और हमारा दायित्व सिर्फ अपना ही नहीं है, अपना भी है परिवेश के लिए भी। ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने अपने परिवार दस और देश के वर्तमान भविष्य के उत्तरदायी। हम सब लोग अपने अपने परिवार दस सब के उत्तरदायी। जिस रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जहाँ जिस रूप में, वहाँ जो दायित्व हमारा है उस रूप में सबके लिए है। उस रूप में हम चल पाएंगे, हम सार्थक हो पाएंगे। जितना चल पाते हैं, जो अच्छा हम लोग कर पाते हैं उनकी दया है, जो बुरा होता है हम लोग का जो भीतर है उसके चलते हो पाता है। हम यही चाहेंगे मंदिर प्रार्थना करेंगे आप सबके भीतर वह भाव आवे जो उनसे युक्त होकर के उसके अनुसार चल सके, अपने जीवन को उज्ज्वल कर सके, जितना बेहतर उससे बेहतर हो सके, हम भी वैसा हो सके। यही कहकर अपने भाई को विराम देता हूँ, सबके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। विभाग के कुछ छात्र भी अपनी श्रद्धा अपने आदरणीय अभिभावक को समर्पित करना चाहते हैं। मैं अपने विभाग के साथ संचालन करता हूँ, ये अपनी श्रद्धा निवेदित करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज विदाई स्वागत समारोह में आप सभी गुरुजनों का मैं चरण वंदन करता हूँ। मुझे श्री अनिल सर से जो प्यार मिला, जो शिक्षा मिली, उनका मैं सदा कृतज्ञ व्यक्त करता हूँ। और आगे अनिल सर से जो शिक्षा मिलेगी उनका भी मैं सम्मानित करता हूँ। एक स्टूडेंट बाहर आ रहा है, आ रहा है तो सभा के अध्यक्ष और हमारे माननीय संकाय के संकाय अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर पाल साहब से विनम्र अनुरोध है कि इस अवसर पर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। समागम में उपस्थित सभी विद्वज्जन, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और विद्यार्थी, आप सबका हार्दिक स्वागत है कि और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस सभा में बुलाया। आज के इस सभा में दो महत्वपूर्ण घटना घटी। एक डॉक्टर मनोज कुमार का संस्कृत के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में आयोग होना, और दूसरा भूतपूर्व
विभाग के जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं उनका विदाई समारोह, और ये भूतपूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह हमारे ये मानवीय संकाय के पूर्व डीन भी हैं, अर्थात मेरे पूर्वज हैं। तो ये दोनों व्यक्ति विशिष्ट हैं मेरे लिए। यहाँ जब मैं विभागाध्यक्ष होके अंग्रेजी का विभागाध्यक्ष होके जब आया तो उसी दिन संस्कृत विभाग में कोई कॉन्डोलेंस होने का था, सतीश कुमार जी का ध्यान हुआ था, तो एक कॉन्डोलेंस हुआ। तो माई फर्स्ट विजिट टू एनी डिपार्टमेंट इन दिस ब्लॉक वॉज संस्कृत डिपार्टमेंट। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि बिहार विश्वविद्यालय का ये संस्कृत विभाग एक महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ और गौरव के साथ और गौरव और भव्यता के साथ यहाँ है। बहुत सारे विद्वान के लिस्ट मैंने बोर्ड पर देखे जिनका नाम मैं सुना था, और उसी दिन मैं इनके मनोज जी के से मेरा परिचय हुआ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक विद्वान युवा विद्वान उनके विद्वता की जो दीप्ति है उनके चेहरे से आ रही थी, और ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। संस्कृत विभाग के सारे सदस्यगण मुझे बहुत ही अच्छे लगे, और मनोज जी को मैंने देखा कि ये हमेशा से अपने काम पर फोकस करते थे। जो उनको काम दिया जाता था वो उस काम को उस पर फोकस करते थे, और बहुत ही सुंदर ढंग से अपने काम का वो निर्वाह करते थे, अपने उत्तरदायित्व का वो निर्वाह करते थे। ये मनोज जी जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर बने तब भी, और जब ये वो अंशकालीन रजिस्ट्रार बने उस समय भी, एक बैलेंस बनाकर एक संतुलन बनाकर इन्होंने एग्जामिनेशन कंट्रोलर के अलावा इतने सारे काम किए, जो व्यस्ततम जीवन इनका रहा होगा। तो आज मैं डॉक्टर मनोज को अपनी बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के इस विभाग को आप बहुत ऊंचाई पर ले जाइए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ देश के राष्ट्रपति हैं जो कभी कभी अपने भाषण में संस्कृत में बात करते हैं। यह विदेश की बात है। ये जैसे आपको फिजी, गुयाना, मॉरिशस और भी 6 या 7 कंट्री हैं जहाँ गिरबिटिया मजदूर गए थे, अर्थात छपरा और बलिया उस जिले से जो लोग गए वहाँ मजदूर के रूप में ब्रिटिश लोग ले गए थे, वो लोग वहीं बस गए थे और अब वो देश उनका है। वही लोग राष्ट्रपति हैं, वही लोग प्रधानमंत्री हैं, उनका वंश है। तो वहाँ संस्कृत में बोलना एक गौरव की बात है। तो मैं ये कहूँगा संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देशवासी जो विदेशों में जाकर वहाँ बैठ गए, वहाँ की नागरिकता ले गए, वो अभी तक संस्कृत को नहीं भूले, बल्कि संस्कृत में वो और काम कर रहे हैं। संस्कृत एक भाषा है, एक भाषा से एक ग्रुप से डेवलप किया है, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज, जिसका थ्योरी मैक्स मुलर ने दिया था कि उसमें माना गया कि संस्कृत एक प्रधान भाषा है। इसी भाषा से विश्व के तमाम भाषाएं इससे निकली हैं। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि संस्कृत जो अखंड भारत का की भाषा थी और इसका प्रभाव आसपास के देशों में पड़ा। तो मैं यहाँ के नए विभागाध्यक्ष से ये अनुरोध करूँगा कि संस्कृत को और महान बनाया जाए और प्रयोगशील बनाया जाए, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ YouTube पर और बहुत सारे मीडिया पर कि संस्कृत के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब इंडोइज्म ग्रो कर रहा है, इंडियनिज्म ग्रो कर रहा है, तो संस्कृत को तो डेवलप करना है। तो मेरी सारी शुभकामनाएं मनोज जी को है, और मेरे बड़े भाई गुरु भाई डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, ये तो खैर एक सादगी के मूर्त हैं, ये इनमें ये ऊंचे ऊंचे पद पर रह चुके हैं। लंगट सिंह महाविद्यालय में ये प्राचार्य थे, उसके बाद यहाँ विभागाध्यक्ष बने, साथ साथ वो संकाय अध्यक्ष भी थे।
लेकिन कभी भी इसमें हमने अहंकार नहीं देखा। और आपके ये जो सादगी है, ये जो निर्मलता है, ये हम लोगों के लिए सीखने का विषय है। ये हम सीखें आपसे इस बात को कि पद अपनी जगह है और उसका दम है वो अलग चीज है। पद का दम मत रखिए। आपका जो व्यक्तित्व बनेगा वो अपने आप एक सूर्य की तरह होगा, उसकी रोशनी सब जगह जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप दोनों को, मैं मनोज जी को पहले बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और आपको आपके जीवन के सफल, शेष जीवन के जो सफल प्रोग्राम्स हैं जो आप सत्संग आश्रम के लिए करते हैं, वो चलता रहे। धन्यवाद। चाहता है सभागार आयोजित में कि वो एक वर्ड ही बोलते हैं कि माँ सरस्वती का बिना वादन संस्कृत विभाग से ही उत्पन्न होता है, यहीं से निकलता है, हर विभाग में यहीं से जाता है। इसीलिए संस्कृत विभाग को सर से मेरा उम्मीद है कि इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे और हर विभाग में आपके विभाग से मैंने माँ सरस्वती का बिना वादन ले जाएंगे। अपने विभाग के संस्कृत विभाग के अध्यापक प्रोफेसर नरेश कुमार मंडल जी से अनुरोध करता हूँ, सभी भारत महाभावों के लिए धन्यवाद। इस विदाई सह स्वागत समारोह में उपस्थित मानविकीय संकाय अध्यक्ष, कॉमर्स के संकाय अध्यक्ष एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्षा, विद्यालय महाविद्यालय प्राचार्यों, शिक्षक शिक्षिकाओं, संस्कृत विभाग के छात्र छात्राओं तथा अन्य अभ्यागत विद्वज्जनों को संस्कृत विभाग की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जो आप लोगों की उपस्थिति से यह समारोह अलंकृत हुआ, धन्यवाद। अध्यक्ष की अनुमति से समाप्ति की इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इसी मध्य अंग्रेजी विभाग की अध्यक्ष संगीता शर्मा जी यहाँ आई हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है संस्कृत विभाग में। नहीं नहीं मैम, आप आ गए, आपका आशीर्वाद से सभा संपन्न की जाएगी।